बजाज फिनसॉफ्ट नेटवर्क ईएमआई कार्ड को इंस्टा ईएमआई कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड को यूज करते हुए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मल्टीपल कैटेगरीज में शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, किचन, होम अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। आप अपनी शॉपिंग कॉस्ट को ईएमआई में डिवाइड करके अपने ऊपर आने वाले फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप किस तरीके से बजाज फिनसॉफ्ट के कस्टमर पोर्टल पे जाके माई अकाउंट सेक्शन से अपने कार्ड के करेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक है या एक्टिव है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको bajajfinsoft.in के कस्टमर पोर्टल पे जाना है, वहां माई अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। सामने आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपको अपना ओटीपी डालकर यहां सबमिट कर देना है। आगे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने डिटेल्स को वेरीफाई करना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आप अंदर लॉग इन हो चुके हैं। यहां आपको अपने ईएमआई कार्ड का स्टेटस चेक करने के कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप ऊपर की ओर ईएमआई वाले आइकन पे क्लिक करके अपने कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ईएमआई नेटवर्क कार्ड का एक पूरा सेक्शन आपको दिखाई देगा, वहां पे ईएमआई कार्ड पे आप क्लिक करते हैं और अपने कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ आपको माई रिलेशंस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, एक पूरा सेक्शन दिखाई देता है। वहाँ पे आप क्लिक करते हैं और सामने आप अपने ईएमआई कार्ड को सेलेक्ट करते हैं। ईएमआई कार्ड को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सामने आपको आपकी ईएमआई कार्ड की पूरी डिटेल दिखाई देती है। अगर आपका ईएमआई कार्ड एक्टिव होता है तो सामने आपको आपके ईएमआई कार्ड की टोटल लोन लिमिट और अवेलेबल लोन लिमिट दिखाई देती है। इस तरीके से आप अपने ईएमआई कार्ड से कंटिन्यू शॉपिंग कर सकते हैं और इस ईएमआई कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में आपका ईएमआई कार्ड यहां पे ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो गया है तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी ईएमआई कार्ड के नीचे आपके ईएमआई कार्ड का ब्लॉक होने का रीजन दिया होगा, साथ ही साथ वो क्राइटेरिया दी होंगी जिनको पूरा करने के बाद से आपका ईएमआई कार्ड यहाँ पे अनब्लॉक हो सकता है। जनरली बजाज फिनसॉफ्ट के इंटरनल पॉलिसी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब कभी आपका कोई अमाउंट ओवरड्यू हो जाता है या अचानक से आपका सिविल स्कोर 750 से नीचे गिर जाता है तो आपका ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको ये करना है कि आपका जो ओवरड्यू अमाउंट है उसको टाइमली रीपे कर देना है और फ्यूचर में आपको कोई भी अमाउंट ओवरड्यू नहीं रखना है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपका सिविल स्कोर भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहे, बढ़ता रहे। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो विद इन 3 से 4 मंथ में आपका ईएमआई कार्ड यहाँ पे अनब्लॉक हो जाता है। आपके ईएमआई कार्ड के स्टेटस में अगर ई मैंडेट पेंडिंग आ रहा है तो आपको फटाफट उसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जब तक आपका ई मैंडेट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है आप इस कार्ड को ऑनलाइन यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और अपने ई मैंडेट के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर दैट आप इस ईएमआई कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपने ईएमआई कार्ड के स्टेटस को बजाज फिनसॉफ्ट के एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप बजाज फिनसॉफ्ट ऐप को या तो ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होता है। इसके बाद से आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है, आपको ओटीपी मिलेगा, आप ओटीपी डालते हैं और आप लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद से ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ भी ऊपर ईएमआई का आइकन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं या यहाँ आप ईएमआई नेटवर्क कार्ड का जो आपको ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पे, वहाँ पे ईएमआई कार्ड का जो आपको आइकन दिखाई देगा वहाँ पे आप क्लिक करते हैं या माई अकाउंट के सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं या ऊपर मेन्यू पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे आगे अपने कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सामने जैसे ही आप अपने कार्ड पे क्लिक करते हैं आपको आपके डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। इसके लिए यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद से आपके कार्ड का जो भी स्टेटस होगा वो सामने आपको दिखाई देगा। अगर आपका कार्ड एक्टिव है तो वहाँ ठीक आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर ब्लॉक है तो सेम अभी मैंने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को आप कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए, आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।